अतीक अहमद ने रसूख से जुटाई थी अरबों की संपत्ति। यूपी के प्रयागराज से लेकर मुंबई तक फैली अतीक की प्रॉपर्टी का आखिर दावेदार कौन है? आज क्राइम तक पर बात करेंगे, अतीक अहमद की हत्या के बाद कौन होगा उसकी गद्दी का वारिस? आखिर किसे मिलेगी अतीक के अरबों की प्रॉपर्टी? अतीक ने अपनी माफियागिरी के दम पर अरबों की दौलत बनाई। अतीक ने अपनी दादागिरी के दम पर कई संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और इतनी अकूत संपत्ति बनाई कि कई मोहल्ले बस जाए। इतनी जमीनों को अवैध रूप से हड़प लिया कि हर बिल्डर उससे खौफ खाने लगा और खुद को उसके गैंग का हिस्सा बनाने में ही भलाई समझने लगा। दिल्ली में भी अतीक की कई प्रॉपर्टी है। अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी जामिया, ओखला और शाहीन बाग में है। अतीक अहमद के बेटे असद की फरारी के दौरान यूपी एसटीएफ दिल्ली में मौजूद थी। असद दिल्ली में छुपा हुआ था, लिहाजा दिल्ली में जांच की गई थी। जांच के दौरान पता चला था कि अतीक ने जामिया, ओखला और शाहीन बाग में प्रॉपर्टी में काफी पैसा लगाया हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच की जा रही है। अतीक अहमद की मौत के बाद उसके साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए क्या वफादार ही दगाबाज बन गए? जिस मोहम्मद मुस्लिम ने असद से हुई बातचीत में 1 करोड़ के रंगदारी मांगने का ऑडियो वायरल किया, वो मोहम्मद मुस्लिम अतीक अहमद के गैंग का मेंबर है। प्रयागराज पुलिस के द्वारा अतीक अहमद के गैंग में शामिल 66 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई, उसमें मोहम्मद मुस्लिम का भी नाम शामिल है। अतीक अहमद के सहयोगियों के लिस्ट में मोहम्मद मुस्लिम का नाम 48वें नंबर पर दर्ज किया गया था। बता दें कि मोहम्मद मुस्लिम एक हिस्ट्री शीटर है। लखनऊ के डालीगंज इलाके में जिस वली ब्रदर्स अपार्टमेंट को अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर बुलडोजर चलाया गया था, वो कागजों में मोहम्मद मुस्लिम का ही था। प्रयागराज से लेकर लखनऊ बहराइच तक मोहम्मद मुस्लिम के नाम पर खरीदी प्रॉपर्टी अतीक अहमद द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी एसटीएफ को मोहम्मद मुस्लिम की तलाश थी। उमेश पाल हत्याकांड के दिन लखनऊ से जिन गाड़ियों के प्रयागराज पहुंचने और फिर रायबरेली के रास्ते वापस जाने का सीसीटीवी पुलिस को मिला था, वो गाड़ियां मोहम्मद मुस्लिम की ही बताई गई थी। हालांकि अतीक अहमद की हत्या के बाद मोहम्मद मुस्लिम खुद को पीड़ित बताने में जुटा हुआ है, लेकिन पुलिस सच की तलाश कर रही है क्योंकि अतीक अशरफ अब नहीं रहे। अतीक का एक बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं अतीक के दो बेटे अली और उमर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, तो दूसरी ओर अतीक के दो नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल फरार चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अतीक की गद्दी कौन संभालेगा, उसकी अकूत प्रॉपर्टी पर किसकी नजर गड़ी हुई है। दोनों बिल्डरों से 100 से ज्यादा सेल डीड हाथ लगी है, जिसमें अतीक के नाम खरीदार के तौर पर साफ साफ दर्ज है। बताया जाता है कि अतीक किसानों को डरा धमका कर सस्ती दरों में उनकी जमीन खरीद लेता था और उन्हें बड़े बिल्डर को दे देता था। ये अतीक की कमाई का अवैध जरिया था। अपनी काली कमाई को अतीक ने सफेद बनाने का तरीका भी खोज निकाला था। उसने करीब 50 फर्जी कंपनियां बनाई थी, जिसमें निवेश कर काले पैसों को कानूनी बना देता था। ईडी ने उन फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अतीक के 200 बैंक अकाउंट भी सील किए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ, मायानगरी मुंबई, राजधानी दिल्ली के कई व्यवसायी और बिल्डर भी अतीक के संपर्क में थे। बता दें कि अतीक के करीबियों के यहाँ से ईडी को 84 लाख रुपए से भी ज्यादा कैश और बहुमूल्य सोने की ईंटें और हीरे सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। 30 मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, कंप्यूटर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन उपकरणों की पड़ताल से अतीक की कई और संपत्तियों और शेल कंपनियों की जानकारी पुलिस खंगाल रही है। अतीक के काले कारोबार और पूरे अवैध साम्राज्य की सबसे बड़ी राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता है, जो फिलहाल फरार है। रिवायत के मुताबिक तो अतीक की विरासत उसके बड़े बेटे उमर को मिलनी चाहिए, लेकिन अतीक ने हमेशा अपने दूसरे नंबर के बेटे अली को ही आगे बढ़ाया। सियासत में भी लाने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले अली मोस्ट वांटेड बन गया और जेल पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।